गहलोत सरकार के शिक्षक भर्ती 2021-22 को पूरे हुए 2 वर्ष का समय हो गया है। इस भर्ती में जिन शिक्षकों का चयन हुआ था उनके कार्य ग्रहण के बाद भी स्थायीकरण नहीं हुआ है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद से भजनलाल सरकार ने SI भर्ती के पेपर लीक मामले के बाद ये फैसला लेते हुए कहा कि सभी विभागों के पिछले 5 वर्षों से सरकारी नौकरियों में लगे कर्मचारियों के दस्तावेज चेक किए जाएंगे ताकि ऐसे कोई फर्जी तरीके से नौकरी लगे कर्मचारियों पर नकेल कसी जाए। इस फैसले को देखते हुए शिक्षकों को स्थायीकरण का अभी तक इंतजार करना पड़ रहा है। शिक्षकों का कहना है कि स्थायीकरण में देरी के कारण सरकारी कर्मचारी बनके भी आर्थिक समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। शिक्षक भर्ती के अध्यापकों का स्थायीकरण होने के कारण आज सभी अस्थायी शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर बाड़मेर महावीर पार्क में मीटिंग रखी और शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। आज हम यहाँ पर महावीर पार्क में जिन शिक्षकों का कार्यग्रहण मई 2022 में हुआ था और उनका स्थायीकरण अभी मई में किया अंत में ही 2024 में पूर्ण हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी इन शिक्षकों के स्थायीकरण नहीं हुआ है। जो अपने शिक्षक भर्ती 2021-22 है इसमें लगभग 1200 शिक्षकों को नियुक्त किया गया था, कार्यग्रहण आदेश जारी किए गए थे। इनमें से कुछ अध्यापकों का ही स्थायीकरण आदेश जारी हुआ है, जबकि जो अधिकांश शिक्षक है उनके स्थायीकरण आदेश जारी होने बाकी है और जो स्थायीकरण जो पूरा होने का जो उनका समय है वो लगभग 3 महीने से ज़्यादा हो चुका है और इस कारण जो ये शिक्षक है इनको जो आर्थिक समस्या है इनका सामना करना पड़ रहा है। और हम सब आज एकत्रित हुए हैं और जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमान सिद्धार्थ जी पलानी स्वामी से मिलेंगे और संगठन की मार्फत हम ज्ञापन भी प्रेषित करेंगे कि जो ये 2021-22 भर्ती है इसमें जो शिक्षक नियुक्त किए गए हैं इनका जो स्थायीकरण है वो जल्द से जल्द किया जाए ताकि इसके बाद में इनके जो वेतन नियमितीकरण का आदेश है वो जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा कर सके और इन्हें आर्थिक समस्याओं का सामना करना नहीं पड़े। सर क्या वजह है, या सरकार बदल गई इस वजह से स्थायीकरण में देरी हो रही है? जी जैसा कि हमने जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा से संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि वर्तमान में पिछली सरकार के समय से यानी पिछले 5 वर्षों में जिन भी कर्मचारियों का कार्यग्रहण हुआ है उनके सेवा सत्यापन किए जा रहे हैं, उनके दस्तावेज सत्यापन का कार्य किया जा रहा है कि इनमें से कोई या तो जाली दस्तावेज हो या अन्य कोई साधन का उपयोग करके कोई नियुक्त नहीं हुए हो, तो यह सत्यापन हो रहा है। ये सत्यापन होने के बाद में ही इन शिक्षकों का जो स्थायीकरण आदेश है वो जारी किया जाएगा ऐसा बताया जा रहा है। आपको क्या लगता है, ये सही निर्णय है या जी जो राज्य सरकार का जो निर्णय है विभाग का जो आदेश है इस संबंध में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी शिक्षक जो नियुक्त हुए हैं जब इनको कार्यग्रहण करवाया गया तब इनसे शपथ पत्र लिए गए थे सब अलग अलग, चाहे 2 से अधिक संतान नहीं होने का, दहेज नहीं लेने का, जो भी तंबाकू उत्पाद उपयोग नहीं करने का और कोई भी जो दस्तावेज है वो जाली नहीं हो, इस संबंध में इन सब के जो है शपथ पत्र इन सब के लिए हुए हैं। तो हमारा निवेदन है कि इनके शपथ पत्र जब हमारे पास जमा है, विभाग के पास जमा है, तो हम इनका स्थायीकरण आदेश जारी क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि अगर मान लो कि इनके अगर दस्तावेज अगर जाली पाए जाते हैं, झूठे पाए जाते हैं, तो इनकी जो नियुक्ति है, जो इनका जो आदेश है वो स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। तो हम यही निवेदन करते हैं कि इनके शपथ पत्र सबके पहले से जमा है और जो इनका जो दस्तावेज सत्यापन का कार्य है अभी वर्तमान में सभी का किया जा रहा है और लगभग पूरा होने वाला है, तो अगर विभाग चाहे तो इनकी जो ये दस्तावेज सत्यापन का जो कार्य है इनका जो स्थायीकरण आदेश में क्लॉज भी डाला जा सकता है कि इनके अगर दस्तावेज अगर कोई जाली पाए जाते हैं तो इनकी जो नियुक्ति रद्द की जा सकती है, ऐसा क्लॉज डाल के और इनके स्थायीकरण आदेश जल्द से जल्द जारी किया जाए ताकि इन्हें आर्थिक समस्याओं का और अन्य समस्याओं का सामना करना नहीं पड़े।